इस जलसे आम के सदर मोहतरम मेरे अपने दोस्त याज उमर साहब मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब मंच पे तशरीफ फरमा बराबर है। सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान नहीं देखूंगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन कारपोरेटर साबिक कारपोरेटर और इस जलसेगार के अंदर तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग हजरात नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहने। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं रिकॉर्डिंग कि रिमझिम बारिश इस मौसम के अंदर भी आप मेरी मोहब्बत के लिए आप लोग शहर भर से यहां पर तशरीफ लाए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है ये मालेगांव शहर का हार्ट है, इंसान का जो दिल होता है ना, मालेगांव शहर का हार्ट है, दिल है। नया पूरा और इस नया पूरे ने निहाल अहमद साहब जैसे लीडर को पैदा किया और 27 साल निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर की नुमाइंदगी महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर की। 27 बरस और पूरे जिंदगी निहाल अहमद साहब ने उसूल की लड़ाई लड़ते हुए 27 बरस गुजार दिए। दोस्तों और निहाल अहमद साहब ने हमेशा चाहे वो भगवा फिरका परस्त हो चाहे वो मुस्लिम फिरका परस्त हो कभी भी मालेगांव शहर के अंदर ऐसी पार्टियों को पनपने नहीं दिया निहाल अहमद साहब का ये उसूल रहा है जिंदगी का। और आज ऐसे इलाके के अंदर ये जलसा हो रहा है। आज मेरा सुबह 11 बजे से दो दिन मेरे यहां पर गुजरे, कल सुबह 11 बजे से नयापुरे के हर गली के अंदर हर घर के अंदर मैं गया और आज भी मेरा दौरा मुकम्मल हुआ। हर गली से हर हमारी मां और बहने ने हमारे बुजुर्गों ने हमारे नौजवानों ने सिर्फ एक बात कही कि हमारी नयापुरे की सड़क बना दो रास्ता बना गटरे बना दो लाइट बंद है बोरिंग नहीं है यहां पर कई बुनियादी सहूलत नहीं मिल रही है इस तरीके की शिकायत ताज्जुब होता। निहाल अहमद साहब का पुराना मकान नयापुरे के अंदर है, आज से 10 साल पहले ये इलाके के अंदर ये शिकायत नहीं थी। लेकिन अभी ये शिकायतें हो रही है। मैं आज नयापुरे के आवाम से बोलना चाहता हूं, हमारी मां बहनों को बहुत ज्यादा नहीं समझता कि यह इलेक्शन असेंबली का है या कॉर्पोरेशन का है।
मेरी माँ बहनों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के चारों कारपोरेटर इस वार्ड से चुनकर आए हैं और मुसलसल 10 साल से चुनकर आए हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब का मकान भी नयापुरे के अंदर है जो सबसे 10 साल में नयापुरा नहीं सुधार सकता वो शहर को नहीं सुधार सकता है। वो अपने वार्ड की नुमाइंदगी नहीं कर सकता वो अपने कारपोरेटर से काम नहीं ले सकता जो शख्स वो मालेगांव शहर को क्या सुधार सकता है ये सवाल इस नयापुरे की आवाम ने उनसे पूछना चाहिए। असेंबली का इलेक्शन है 21 तारीख को आप लोगों को और मालेगांव शहर की आवाम को और महाराष्ट्र की आवाम को वोट देना है। मैं मेरे बुनकर भाइयों से कहना चाहता हूं इस नयापुरे के रहने वाले और इस मालेगांव शहर की आवाम से बोलना चाहता हूं कि अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि हमारा अपना शहर मुसलमानों की अक्सरियत इस मालेगांव शहर के अंदर है। अगर 2,93,000 वोट है तो 2,70,000 मुसलमानों की वोट है ये अल्लाह का बहुत करम है और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा असेंबली हलका हमको कहीं नजर नहीं आता है। मालेगांव शहर इतने लाखों की आबादी इतना बड़ा शहर ऐसे नहीं हुआ ये शहर की पावर लूम की सड़क की तरक्की ऐसे नहीं हुई हमारे बुजुर्गों का खून पसीना यहां की मिट्टी में लगा हुआ है हमारे मेहनत कश हमारे बुनकर भाई हमारे पावर लूम मजदूरों का खून पसीना हमारी सड़क के लिए लगाने का काम इस शहर के बुनकर और शहर के मजदूर भाइयों ने किया है। जब जाकर ये हमारी सड़क इतनी तरक्की कर रही है यह हमारा शहर तरक्की कर रहा है आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हमारा शहर अल्लाह का करम है कि तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साबिक एमएलए साहब हमारी मां बहनों पर बहुत असरअंदाज होते हैं। मैं आज मेरी नयापुरे की मां बहनों से बोलना चाहूंगा इस शहर के हमारे बुनकर भाइयों से इस शहर की आवाम से बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सही है अगर कोई दीनी आदमी है तो उसको दीन की हद तक मानना चाहिए लेकिन मेरा सवाल है कि 2007 निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब दोनों सियासी नजरिया अलग सियासी पार्टी अलग रही मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस्लाम आश्रय का प्रोग्राम करते हुए सियासत में कदम रख दिया और तीसरा महज की बुनियाद उन्होंने शहर के अंदर रखी शहर ने उनको सर आंखों पर बैठाया और जब निहाल अहमद साहब ने उनकी मुखालफत शुरू की तो निहाल अहमद साहब को बेइज्जत करने का काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने किया है शहर के अंदर।
सियासी जलसे के ऊपर अलग अलग तंकीदें होती है, हम भी करते हैं और कोई भी करता है, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के जलसे से स्टेज से कभी भी निहाल अहमद साहब की हम लोगों ने बेइज्जती नहीं की, बल्कि हमारी नजरिए की लड़ाई हमेशा रही है। लेकिन उनको इतनी घाई थी सियासत में आने की कि हर स्टेज से कभी 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का इल्जाम, इस शहर के पेपर लीक गवाह है इस बात के, इस शहर की आवाम इस बात की गवाह है कि कभी 300 करोड़ रुपए के मालक है निहाल अहमद साहब और उनका परिवार, ऐसा इल्जाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने उन पर लगाया था। मैं वो जुमला अदा नहीं कर सकता जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने बेइज्जती की तरह उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे, उनकी जातियात के ऊपर बोलने का काम किया था सिर्फ कुर्सियां हासिल करने के लिए। हद तो तब हो गई जब नयापुरे के काबुल चौक के पीछे उनके संपर्क कर्मियों के सामने एक ऑफिस के अंदर बैठकर एक माजूर शख्स जो दिमाग से माजूर था, शेख रशीद साहब का और निहाल अहमद साहब का उनकी जिंदगी की हयाती के अंदर इन्होंने मैयत का पुकारा कराया था। दोस्तों ये वीडियो आज भी शहर की हर मोबाइल के अंदर मौजूद है। आज अगर निहाल अहमद साहब इस दुनिया में होते तो कभी भी निहाल अहमद साहब ने इनसे कारपोरेशन में प्रैक्टिस करते और ना असेंबली के अंदर को हिमायत देते। आज इनके उसूलों को तोड़ने का काम इस शहर के कुछ लोगों ने जनता दल पार्टी को हैजेक कर जो अपने जाति मुफाद के लिए निहाल अहमद साहब के वसूलों को तोड़ने का काम किया है। दोस्तों मैं आज बोलना चाहूंगा जनता दल के निहाल अहमद साहब के मानने वालों को, जो निहाल अहमद साहब से हमेशा हमदर्दी रखते हैं, आज तक रखते हैं, आज तक निहाल अहमद साहब के दिलों के अंदर, आपके दिलों के अंदर बसे हुए हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा अगर आप निहाल अहमद साहब से मोहब्बत करते हो तो निहाल अहमद साहब के उसूल को तोड़ा गया है, आप उनका साथ मत दो जब मानेगा ये शहर कि आप निहाल अहमद साहब से सच्ची मोहब्बत रखते हो। उसूलों को तोड़ा भी जा रहा है सिर्फ एक आदमी के जाति मुफाद के लिए, जिसने पार्टी को हैजेक करने का काम किया। आज हमें दुख होता है कि तोड़ी बाज हमें बोलना पड़ता है। तोड़ी बाज हमें बोलना पड़ता है और उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी मेयर बना रही थी, निहाल अहमद साहब की ख्वाहिश थी कि बच्चा मेयर बन जाए। रात में इन्होंने महापुर का इलेक्शन को अपने आप को फरोख्त कर दिया और दरे गांव शेवार के अंदर दरे गांव के पीछे एक प्लाट का रातों रात 4 बजे सौदा करके मेयर की कुर्सी और उसका ओहदा बेचने का काम, तोड़ी करने का काम एक शख्स ने किया था। आज ऐसे उसूल, आज हमें बातों को सोचना है। और मैं बोलना चाहता हूं कि मालेगांव शहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। आरएसएस और बीजेपी 2014 के अंदर सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर सरकार तो बना लिए और 5 साल नाकाम हो गए और मुसलमानों को तकलीफ देने का काम 5 साल किया गया, जब इस देश का हिंदू मुसलमान व्यापारी सब परेशान हो गए और भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि अब हमारी सत्ता चली जाएगी 2019 में, तो पुलवामा अटैक करा दिया गया, पाकिस्तान पर हमला करके
इस देश के हमारे हिंदू भाइयों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर हम ही हमला कर सकते हैं और 2019 का चुनाव जीत गया। आप लोग देखिए 2019 के बाद क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। तीन कानून बनाए गए, तीन। पहला ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया, हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की गई एक ही पार्लियामेंट सेशन के अंदर, इजलास के अंदर। उसके बाद कश्मीर को हाईजैक करके वहां के मुसलमानों को, वहां की आवाम को हाईजैक करके बंधक बनाकर कश्मीर को दो हिस्से के अंदर तकसीम कर दिया गया और 370 की कलम हटा दी गई। क्यों? उसकी वजह थी ये तकसीम करने की कि हिंदुस्तान के अंदर एक वजीर आला मुसलमान होता था और भारतीय जनता पार्टी को वो भी पसंद नहीं था। अब वजीर आला मुसलमान नहीं होगा, ये कानून बना दिया गया। उसके बाद एनआरसी लागू किया गया, वो भी मुसलमानों के लिए। और अब क्या होगा, ये पार्लियामेंट के और ये असेंबली के चुनाव और इस महाराष्ट्र के असेंबली का चुनाव बहुत अहमियत वाला है। आप लोग हिंदुस्तान का नक्शा देखो, जब टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर बताया जाता तो 75% 75% भगवा नजर आता है, यानी उनकी रियासतों के अंदर जहां जहां सरकार है वो 75% भर चुका है और 25% के अंदर सेकुलर पार्टियों की सरकार बची है। 2024 के अंदर जब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, अगर महाराष्ट्र वापस उनके पास गया, अगर हरियाणा वापस उनके पास गया, उत्तराखंड अगर उनके पास गया, तो मैं आज आपको बोलता हूं, मेरी बात को लिख कर रखना, पार्लियामेंट के चुनाव आते आते यह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ आईन, उसकी घटना को तब्दील करने का, अमेंडमेंट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करेंगे। और अगर आईन को तब्दील करना है तो हर रियासतों से तजवीज पास करके, 2/3 मेजोरिटी का तजवीज पास करके हिंदुस्तान की जितनी रियासत है उसकी 2/3 सरकार उनको तजवीज भेजेगी कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और पार्लियामेंट भी आज उनके पास, राज्यसभा भी आज उनके पास, और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन आते आते इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 21 तारीख का चुनाव हमारे लिए कितना अहमियत का है। ये लोग जो हैदराबाद से आए और पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की और का डिवाइडेशन कर रहे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर दोबारा बन जाए उसकी कोशिश की जा रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अगर ऐसा होगा तो असेंबली के अंदर जब तजवीज लाई जाएगी इस तरीके की, या मुसलमानों के खिलाफ में कोई तजवीज पास की जाएगी, तो वहां कैसा ही मेले चाहिए आप। कभी कभी जरूरत पड़ती तो अस्तीन भी चढ़ाना पड़ती है वहां। तो कि यह चढ़ाएंगे हजरत, गंगा पटकी पुलिस तो भाग जाती है। फैसला आपको करना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना के अंदर आज भी वहां की सरकार अजान मस्जिदों में नहीं दी जाती लाउड स्पीकर से। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर इस सरकार, अगर इसने ऐसा कानून बना दिया,
तो हिंदुस्तान की मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजाने नहीं होगी, मस्जिदों का परमिशन नहीं देंगे, हमारी शरीयत को खत्म करने का काम करेगी। मैं आपसे अपील करता हूं, मालेगांव शहर को और इस महाराष्ट्र को बचाने का काम हम लोगों को करना है, यहां के मुसलमानों को बचाने का काम हमें करना होगा, यहां के नौजवानों को बचाने का काम करना होगा और यहां की सनत को बचाने का काम करना होगा। मेरे बुनकर भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, यह लड़ाई यह सियासी लड़ाई है और एक शख्स ऐसा चाहता है इस शहर के अंदर। मुझे बताओ, इस शहर के बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है कि इस मोहल्ले के साबिक एमएलए जिन्होंने एवाएम का झंडा एयरपोर्ट से लेकर मालेगांव पहुंच गए, क्या इस शहर के या नयापुरे के रहने वालों से बुलाकर कभी उन्होंने मशवरा किया क्या कि मैं ये पार्टी के अंदर जाने वाला हूं? ये मशवरा लेना भी इन्होंने नहीं, आपको वो लायक नहीं समझा, इस शहर को लायक नहीं समझा, उनके वर्करों को ये लायक नहीं समझा कि मशवरा करके कोई पार्टी में जाना चाहिए। आपको कभी कभी भेज दिया जाता, कभी कॉर्पोरेशन में फरोख्त कर दिया जाता, कभी पार्लियामेंट में फरोख्त कर दिया जाता, आपको खबर भी नहीं होती और उसके बाद आपकी वोटों का दम भरा जाता है। आपको समझना होगा, समझना होगा, इस शहर आपने जो खून पसीने देकर हमारे बुजुर्गों ने इस शहर को इस पावर रूम सड़क को बढ़ाया है, अगर सरकार तब्दील हो जाएगी, यहां का अगर एमएलए तब्दील होगा, यहां अगर ईमान का लेबर इस शहर में लगेगा, तो उसूल निहाल अहमद साहब के भी टूटेंगे, हारून अहमद अंसारी साहब के भी टूटेंगे, सबीर सेल का भी वसूल टूटेगा, आयशा हकीम साहब का भी वसूल टूटेगा, शेख रसीद साहब का भी वसूल टूटेगा और मेरा भी वसूल टूटेगा और शहर के एक रहने वालों का वसूल टूटने वाला है। ये शहर को हमने सेकुलर रखा, ये गवर्नमेंट से हमें मदद मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से हमें पावर में सब्सिडी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से हमें ऑटोमेटिक लूम के अंदर सब्सिडी मिलना चाहिए, हमको साइजिंग के अंदर सब्सिडी मिलना चाहिए, हमारी सनत तरक्की करे। इसके लिए इन लीडरों ने, हमारे बुजुर्गों लीडरान ने शहर को सेकुलर रखने का काम किया है। ऐसे हालात में अगर ये शहर का लेवल तब्दील होगा तो कहीं मुसीबतें आएगी तो उसके लड़ने के लिए ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये नाकाम बिल्कुल हो चुके। अरे इनके चार मेयर दिए गए, चार मेयर आप लोगों ने दिया, अरे इनको खुद भी 5 साल आपने मेरे बना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इस घरों के अंदर बैठी हुई मेरी तलबा व तालबा, मेरी हमारी बच्चियों से जो कौम की आज तालीम हासिल कर रही कौम की बच्चियां, हमारे नौजवानों से पूछना चाहता हूं या मदरसे के उन तलबा व तालबात से पूछना चाहता हूं कि 5 साल इनको भी आपने दिया, क्या आपको कभी एक पेन उन्होंने दी क्या? जो तो अल्लाह का करम है, ये आपके भाई ने आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के किताबें देने का, आपको कंप्यूटर लैब बनाने का, कंप्यूटर लैब बनाकर देने का काम किया गया, आपको लैपटॉप देने का काम किया गया, आपको उर्दू घर मैंने बनाकर दिया हूं और मेरा आगे का जो प्लानिंग है, अगर आप लोगों ने मुझको वोट देकर छूट कर दिया तो एक शहर के अंदर लड़कियों की यूनिवर्सिटी मैं जाके बताऊंगा, वादा ऐसा करता हूं, ये शहर को बचा लो, ये शहर के आवाम की जिम्मेदारी है। ये तीन लोग जो मिले इस शहर के अंदर, जो आज मेरे खिलाफ स्टेज लगाकर तकरीरें कर रहे, शहर के आवाम को गुमराह कर रहे, आप देख लो। मैं जनता दल निहाल अहमद साहब की बात नहीं कर रहा हूं, उनके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, आज जो लोग मेरे खिलाफ स्टेज लगाकर तकरीर कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। शहर के अंदर इन्होंने एक बताना नुमाया काम है, पूरे तीनों मिलकर इस शहर को इन्होंने कुछ नहीं किया,
कुछ नहीं किया, सिर्फ वो ठेकेदारी करने का काम इन्होंने कारपोरेशन के अंदर किया और पौधे बेचने का काम, टिकट बेचने का काम इस शहर के अंदर हुआ है दोस्तों। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मैं दोबारा यह बात बोलता हूं कि अगर मैंने कहा यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मेरा चैलेंज है तुम आवाम को गुमराह कर रहे हो, इस शहर के नौजवानों को तुम बर्बाद कर रहे हो, इस शहर के आवाम मां बहनों को गुमराह कर रहे हो। मेरा आज चैलेंज है कि 21 तारीख के इलेक्शन के बाद जो मैंने कहा था, मेरा कमिटमेंट है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी और मैं आपको इस जलसे के अंदर बार बार ये बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि 22 तारीख की सुबह की किरण अभी शहर के अंदर कौन भ्रष्टाचारी है ये शेख आसिफ आपको बताएंगे। आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मुझको भारी अक्सरियत से पंजा निशान एक नंबर बटन दबाकर मेरा एक नंबर मिला है, बेटी के ऊपर एक नंबर, एक नंबर बटन दबाकर पंजा निशान पर रोक लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।